हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वीर नारायण सिंह है। आपका अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? उत्तर बताओ दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला कौन से ईस्वी में मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करौद में, करौद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1933 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। आपका अगला प्रश्न है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसीलें हैं? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। इस नारायणपुर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएँ लगी हुई है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है इन चारों ऑप्शन में से कम से सही होगा बताओ दोस्तों, क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर तीनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है तो किसके समान है बताओ, इसका राइट आंसर है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवधी। अब अगला प्रश्न होगा आपके लिए, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तीन इसका राइट आंसर होगा, तीन। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य से के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़, रायगढ़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानों और नदियों के बेसिन, इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है बताओ, इसका राइट आंसर
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबिकापुर, राइट आंसर होगा अंबिकापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कवर्धा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, तो कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बस्तर, बस्तर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताओ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका कितनी है बताओ दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 220 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, चंग भांगड़ पहाड़ी स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोरिया, कोरिया में स्थित है चंग भांगड़। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जसपुर उच्च भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकाल रेंज। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जसपुर, जसपुर इसका राइट आंसर होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 40%।